नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा सिंह राशि जुलाई 2024 के लिए। सूर्य के घर की सिंह राशि कैसा आगे चाल रहने वाली है, भविष्य कैसा रहने वाला है, कैसे आपके जीवन के दिन जुलाई महीने के कैसे जाने वाले हैं, उसके ऊपर यहाँ विचार विमर्श करेंगे। सबसे बढ़िया जो राशि चल रही है अभी वो है सिंह राशि, क्योंकि यहाँ जो मेन प्लैनेट्स हैं दो, वो बहुत बढ़िया आपके लिए फल देने वाले हैं। ये जो टाइम है वो आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम टाइम बोला जाएगा। यहाँ एक एक दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस और बहुत मायने रखने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो राशि है उसमें ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह गुरु महाराज खुद केंद्र के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, वो भी 10th हाउस के अंदर। यहाँ गुरु महाराज का भ्रमण आपके लिए बहुत 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 अति शुभ साबित होने वाला है। अभी शुरुआत हुई है, मई महीने से आए हुए गुरु महाराज, ये 1.5 महीने में आपको खुद को इसकी इफेक्ट मालूम हुई है। जो चेंजेस धीरे धीरे आपके जीवन में आ रहे हैं वो आप खुद महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो एक तो शनि महाराज आपके बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ सिंह राशि वालों के लिए शनि इतने फेवरेबल नहीं है। शनि जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ भी देखते हैं, वहाँ हर जगह यहाँ नुकसान, तबाही, सब ब्लॉकेज कर देते हैं, पूरा गति को रोक देते हैं। शनि की दृष्टि मतलब गति को रोकना, काम को वहाँ रोक देना, काम की घटना को जो अंजाम मिलने वाला है वो यहाँ नहीं होने देते हैं, उल्टा से काम बिगाड़ देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ शनि का जो भ्रमण है वो आपके लिए अति शुभ नहीं है। लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छे एक और एक न्यूज़ है कि शनि 29/6 को यहाँ वक्री होने वाले हैं, वो भी करीबन 20 नवंबर तक। ऑलमोस्ट 4-4.5 महीने का जो समय है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस माना जाएगा, बिकॉज के जब शनि वक्री होंगे तब गुरु अपनी इफेक्ट दिखाएंगे। देखिए, ये लंबे प्लैनेट्स जो है, जो लंबे टाइम तक रहते हैं राशि के अंदर, उसको बहुत मायने रखा जाता है। और उससे भी ज़्यादा जो छोटे प्लैनेट्स हैं जो घटना को अंजाम देते हैं वो बहुत काम के होते हैं। जैसे शतरंज की आप एक गेम देखते हो, चाल देखते हो, उसमें जो बड़े हाथी हैं, ऊँट हैं, घोड़े हैं, वजीर है, राजा है, वो सब पूरे गेम को तैयार करते हैं, लेकिन जो प्यादे हैं वो ही आखिर में खेल खेल के जाते हैं। तो यहाँ सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्र, मंगल, ये जो छोटे प्लैनेट्स हैं, 4-5 प्लैनेट्स जो छोटे हैं, वो गेम तैयार करने का काम करते हैं, लास्ट में अंजाम देने का। यहाँ पूरा ग्राउंड तैयार करना ये बड़े प्लैनेट्स का काम है, गुरु, शनि, राहु, केतु। तो यहाँ केतु आपका यहाँ 2nd हाउस में चल रहा है, राहु 8th स्थान में चल रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया 10th स्थान में गुरु आपके लिए न्यारे व्यारे करने वाले हैं। लेकिन जुलाई महीने के अंदर यहाँ मंगल महाराज बैठे थे, जून महीने में, लेकिन यहाँ 12/7 को वो राशि चेंज करके गुरु के साथ मंगल गुरु का महालक्ष्मी योग बनने जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। यहाँ जब मंगल बैठे थे तो शनि की तीसरी नज़र से जो भाग्य को बढ़ावा मिलने चाहिए वो यहाँ मिला हुआ नहीं था। कहीं ना कहीं डर, एंजाइटी, अननोन फियर, भाइयों से, बहनों से रिश्तों में तनाव आना, आपके साले सालियों से लेकर चीज़ों के अंदर आपको काफ़ी समस्या प्रॉब्लम देखने को मिली होगी, आपके जो बनते हुए काम है वो भी यहाँ बिगड़ते हुए देखने को मिले होंगे। लेकिन यहाँ से मंगल निकल के अभी यहाँ 10th हाउस में भ्रमण करने वाले, ये आपके लिए अति शुभ समाचार है। सूर्य यहाँ करीबन 15 तारीख पर बैठे हैं, शुक्र, बुध और सूर्य। इसका जो बेनिफिट्स है, ये तीन प्लैनेट्स यहाँ 11th हाउस में जो भ्रमण कर रहे हैं, इसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा जब यहाँ शनि वक्री हो जाएंगे। जब तक शनि महाराज की नज़र है भाग्य स्थान के ऊपर तो वो काम करने नहीं देते, भाग्य को पूरा ब्लॉक करके रखते हैं, बिगाड़ के रखते हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही शनि वक्री होंगे
तो ये सभी प्लैनेट्सों की जो चाल है वो आपको देखने को मिलेगी, उसके रिजल्ट आपको देखने के मिलेंगे। खास करके जो अभी आपके काम, बिजनेस, जॉब, घर, गाड़ी, मकान के लिए आप बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हो, तो यहाँ जैसे ही 29-6 जाएगी, अपने आप आपकी गाड़ी, घर, बंगला, ऑफिसेस, दुकान, फ्लैट्स, जो आपने प्लानिंग करके रखा है, उसमें अपने आप एक मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। अभी मूवमेंट आई थी, लेकिन कुछ न कुछ क्वेरीज आपके सामने ऐसी आ गई जो आप वो डिसीजन लेने में अभी भी 21-22 हो रहे हैं, लेकिन लेना ही है, करना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं, आपको पीछे नहीं जाना है। ये बार बार टाइम जीवन में नहीं आएगा, गुरु 10th हाउस में बार बार नहीं आएंगे, 12-13 साल में एक बार गुरु 10th हाउस में आते हैं, और जैसे ही मंगल आएंगे, भाग्य का जैसे उनको एक कंजक्शन मिलेगा, सहारा मिलेगा अपने मित्र का, मंगल का, गुरु को, तो एक सोने पे सुहागा आ जाएगा। उस टाइम पे आपके पास डेयरिंग आएगा, एक साहस करने की वृत्ति आएगी, कुछ ना कुछ आप उसमें इंप्लीमेंट करोगे। खुद मंगल भी अपने घर को देखेंगे, अपनी राशि को, वृश्चिक राशि को देखेंगे, तो ये घर, गाड़ी, मकान, ऑफिस, दुकान, नया प्लानिंग बिजनेस का, नए जॉब के, ये सब सिचुएशन यहाँ आपको देने वाले हैं ये प्लैनेट्स जो बैठे हुए हैं। सूर्य, बुध और शुक्र, सूर्य साइमल्टेनियसली ये तीनों प्लैनेट्स निकलने वाले हैं। सूर्य 15 जुलाई को कर्क में आ जाएंगे, फिर 19 तारीख को बुध यहाँ आ जाएगा जुलाई की, और 7 तारीख को शुक्र आ जाएंगे कर्क राशि में। ये तीनों प्लैनेट्स का 12th हाउस में बैठना आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र दोनों बाजू में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, और शुभ ग्रह का जब भी लग्नेश को इतना पावर मिलता है, और शनि जब वक्री हो जाएगा और मंगल भी यहाँ से निकल जाएगा, 10th हाउस में आ जाएंगे, तो कुंडली की रेंज बदल जाएगी। इसलिए यहाँ अभी जुलाई महीना आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। जैसे ही शनि वक्री होगा, आपकी ज़िंदगी में इतने चेंजेस आएंगे, इतने पॉजिटिव पॉइंट आएंगे, आपने सोचा नहीं होगा। चंद्रा आपका फ्री हो जाएगा, शनि जब चंद्र को देखते हैं तो एक विष दोष का निर्माण करते हैं, तो शनि यहाँ वक्री होते ही इनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, बंद हो जाती है, वहाँ देखना कम हो जाता है। भाग्य संघ को देख रहे थे, खुद आपके चंद्र को देख रहे थे, और खुद यहाँ 10वीं नज़र से आपके 4th हाउस को देख रहे थे, इसीलिए घर, मकान, गाड़ी, माँ से लगती समस्या आपको देखने को मिली होगी, लेकिन यहाँ अभी सब पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि अभी गुरु महाराज आ गए हैं, गुरु की अमृत दृष्टि यहाँ अभी आपकी 4th हाउस पे गिरने वाली है, तो बहुत अच्छे आपके लिए ये समाचार है कि गुरु आपका 10th हाउस में आया, सब सेट करने वाला है, आपके जो भी बिजनेस अप्स डाउन्स हो गए वो सबको फिर से पटरी पे लाएगा, फिर से आपको आगे बढ़ाएगा, फिर से आपके जीवन में नए चेंजेस आने वाले हैं। सूर्य, बुध और शुक्र जैसे मैंने बताया यहाँ बैठने वाले हैं। कुछ लक्की नंबर्स निकाले हैं, जो लॉटरी लेने वाले जो व्यक्ति पर्सन है उनके लिए 12, 26, 34, 45, 51, ये नंबर का आप लॉटरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लकी डेट्स है 5, 8, 16, 23 और 24, ये डेट्स के अंदर आपको इम्पोर्टेंस काम करना है, इम्पोर्टेंस मीटिंग करनी है, आपकी लॉटरी वगैरह लेना है, तो ये डेट्स में भी आप ले सकते हो, उससे आपकी लॉटरी लगने के पूरे यहाँ चांसेस है, क्योंकि यहाँ गुरु मंगल का महालक्ष्मी योग बनने जा रहा है जुलाई महीने के अंदर, तो ये मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए सिंह राशि वालों के लिए। ओवरऑल देखने जाएंगे तो सिंह राशि का ये जो महीना है बहुत बढ़िया जाएगा। बने उतना सूर्य को जल दीजिए, बने उतना अपने माता पिता को पांव पड़ के घर से बाहर निकलिए, घर से जब निकलते हैं तो सूर्य नारायण को दो हाथ जोड़िए और आपके दिन की शुरुआत अच्छी कीजिए। सूर्य नारायण नमः, सूर्य नारायण नमः, ऐसा आप जितनी बार बोलेंगे दिन में उतने आपके काम यहाँ बढ़ने वाले हैं। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़िए।